तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने नए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पुराने वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप जिस भी वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हो आपको जो है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस वीडियो का लिंक ऐड करना है, तो मैं इस वीडियो के 3 डॉट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो है यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आपको जो है इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ से बैक आ जाना है। अब आप जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऐड करना चाहते हो आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे इस वीडियो में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर अपनी वीडियो का टाइटल ऐड कर देना है। आप जो भी अपना टाइटल रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ ओल्ड वीडियो। उसके बाद आपने जिस भी वीडियो का लिंक कॉपी किया है आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप और भी वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है। तो आपके नए वीडियो में जो है पुराने वीडियो का लिंक ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।